जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी बॉल दिन फालिया पे मौजूद हैं। एक ही दिन में चोरी की दो वारदातें। मंडी बॉल दिन कारोबारी शहरी महफूज नहीं है और आयल सुपर स्टोर पे डकैती की वारदात हुई है और हम चलते हैं उनसे पूछते हैं कि ये वारदात कैसे हुई है और कितने लोग थे और कैसे उन्होंने ये वारदात की है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, और बताएं कितने लोग थे और कितने बजे वो आए, वो कैसे उन्होंने डकैती की वारदात। सर मैं इधर बैठा था, मेरे पास थे दो कस्टमर बैठे, दो तीन। जी जी, तो सामने से आए हैं दो बंदे बाइक पे, तो मैं इधर बैठा हुआ था। उन्होंने आगे सीधा मुझसे आयल का पता कि मैं इनका भाई नहीं है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि भी ठीक है, उन्होंने गन निकाल लिया और कहा है कि भी आप सीधे हो जाएं। मुझे साइड पे बिठाया, मैं इधर बैठ गया हूँ। मेरी सीट पे बैठ के उन्होंने कहा चाबी दराज वगैरह के लिए है काउंटर की, तो मैंने उन्हें चाबी दे दी। उन्होंने गन पट्टी पे पिस्टल रखा था, तो मैंने उन्हें चाबी दे दी। उनके पास पिस्टल थे? जी पिस्टल थी उनके पास, तो मैंने उन्हें चाबी दी। वो मेरी कैश जितनी भी थी तकरीबन। आप उनको पहचान सकते हैं या अपना नकाब में थे? वो नकाब में थे, लेकिन एक ने आके मेरे पास नकाब उतारा था अपना, उसने दाढ़ी वगैरह रखी हुई थी, ठीक है, और बकाया चाबी ली है, पैसे लेके वो फरार हो गए। जी नाज़रीन, एक ही दिन में चोरी की डकैती की दो वारदातें हुई हैं और इंतज़ामिया यहाँ पे बिल्कुल खामोश है और बेबस है। मंडी बॉल दीन कारोबारी शहरी बिल्कुल महफूज नहीं है। जी।